Hello students, today we will do tenses in English grammar. As we all are familiar that there are three types of tenses: present, past and future. So they are further categorized into four categories: simple present, present progressive, present perfect and present perfect continuous. In the same way, past tenses categorize simple past, past progressive, past perfect and past perfect continuous. Future tense: simple future, future progressive, future perfect and future perfect continuous. We will start with the tenses. First of all, first tense हम करेंगे start simple present tense. उसके rules क्या हैं? We will discuss all. इसमें verbs first form is used which we denote from the V1. अगर हम second form use करेंगे तो हम उसको V2 से denote करते हैं. Third form use करेंगे तो हम V3 से denote करते हैं. According to the rule, V1 is used. और इसमें auxiliary verb present नहीं होती. सपोज बाकी टेंसेज में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, उसमें इज एम आर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हैज हैव यूज होती है. सो वी टेक द हेल्प ऑफ डू एंड डज. तो डज किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर्स के साथ यूज होता है. डू किन के साथ यूज होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ यूज होता है. अब हम टेंसेज में रूल कैसे अप्लाई करते हैं, वी विल सी. अब टेंसेज फोर काइंड के रहते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव. अफर्मेटिव में कोई भी टेंस होगा आपका तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अगर तो टेंस थर्ड पर्सन में है तो उसमें एस या ईएस लगेगा. अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो उसमें नहीं लगेगा. वी मस्ट नो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं. फर्स्ट पर्सन आई एंड मी, मैं मेरा. सेकंड पर्सन यू योर्स, तुम तुम्हारा. थर्ड पर्सन ही शी इट और एनी नेम. और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके साथ भी एस या ईएस लगता है. अब द क्वेश्चन अराइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द ट्रूथ विच नेवर चेंज, ईदर वी अलाइव और डाई. अगर हम रहें या ना रहें वो चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, स्टार ट्विंकल्स एट नाइट. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी चेंज नहीं होते, राइट. और उसके बाद हम नेगेटिव देखें. नेगेटिव टेंस में भी सब्जेक्ट लगेगा. आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे. तो सब्जेक्ट और डू का यूज और डज का यूज, जो भी जिस तरह से भी टेंस होगा अकॉर्डिंगली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा. इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा चेंज रहेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन अराइज होता है. उसमें हम बोलते हैं क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई विल से डू आई गो टू स्कूल एवरी डे. तो डू और डज का यूज हो सकता है. डज ही शी इट और एनी नेम के साथ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ. डू फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ लगता है. उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. नाउ वी विल डिस्कस द टेंसेस, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस टेंस. सो एग्जाम्पल्स आर, सपोज आई सेड मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो व्हाट आई से, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये अफर्मेटिव है. फिर नेगेटिव बनेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. इसके बाद इंटेरोगेटिव रहेगा, डू आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ. और नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों, डू आई नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. इसी तरीके से दूसरा रहेगा, सेकेंड वन, राम ऑफिस डेली जाता है, तो राम गोज टू ऑफिस डेली. राम थर्ड पर्सन है इसलिए राम डज नॉट गो टू ऑफिस डेली. नेक्स्ट, डज राम गो टू ऑफिस डेली. अब जो ईएस है वो आगे ट्रांसफर हो गया इसलिए वर्ब से ईएस हट जाएगा इस वाले में. डज राम गो टू ऑफिस डेली. और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में रहेगा, डज राम नॉट गो टू ऑफिस डेली, क्या राम डेली ऑफिस नहीं जाता. थर्ड वन इज कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. फोर्थ वन इज डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स. तो इनके प्रोफेशन है, ये डेली काम करते हैं, ठीक है. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. अब मदर फूड बनाती है डिलीशियस, तो वो डेली बनाती है. ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल नहीं बनाया.
इट मीन्स ये डेली एक्टिविटीज हैं जो प्रेजेंट टेंस में कंसिडर होती हैं. सिक्स वन इज टेलर स्टिचेस द क्लॉथ्स, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, मोहिनी गोज टू टेम्पल डेली, सन राइजेज इन द ईस्ट, एंड टेंथ वन इज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इन टेंसेज में थर्ड ऑनवर्ड्स टेंथ तक जितने भी हैं इनको सेम वे में हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं. कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज, तो कारपेंटर डज नॉट मेक डोर्स एंड विंडोज. डज कारपेंटर मेक डोर्स एंड विंडोज? डज कारपेंटर नॉट मेक डोर्स एंड विंडोज? डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, डॉक्टर डज नॉट ट्रीट द पेशेंट? डज डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट, डज डॉक्टर नॉट ट्रीट द पेशेंट? माई मदर डज नॉट कुक डिलीशियस फूड, डज माई मदर कुक डिलीशियस फूड? डज माई मदर नॉट कुक डिलीशियस फूड? टेलर स्टिचेज द क्लॉथ्स, टेलर डज नॉट स्टिचेज द क्लॉथ्स? डज टेलर स्टिच द क्लॉथ? डज टेलर नॉट स्टिच द क्लॉथ? चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क. अब चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए डज नहीं लगेगा इसमें, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, एक बच्चा नहीं. अगर चाइल्ड रहेगा तो चाइल्ड प्ले इन द पार्क, तो चाइल्ड डज नॉट प्ले. बट ये चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क. डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द पार्क? मोहिनी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली. डज मोहिनी गो टू टेम्पल डेली? डज मोहिनी नॉट गो टू टेम्पल डेली? सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट. डज सन राइज इन द ईस्ट? डज सन नॉट राइज इन द ईस्ट? अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. डज अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस? डज अर्थ नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस? ये सारे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, वर्कशीट है, जिसको कंसिडर करके वट वी सी कि टेंसेज इस तरीके, जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंसेज होंगे वो उसमें इसी तरीके से कंसिडर किया जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच. यू आर मोस्ट वेलकम. बाय बाय.